नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा, आपका शुभचिंतक, आपका सखा, आपका विश्वास पात्र। दोस्तों, आज तारीख है 29 मई 2020, शुभ दिन है, शुक्रवार का दिन। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन, माँ लक्ष्मी जी का दिन है, संतोषी माता जी का दिन है। आज मघा नक्षत्र है, जो कि गंडमूल नक्षत्र कहलाता है। आज जिन बच्चों का जन्म होगा, वो बच्चे गंडमूल नक्षत्र में जाने जाएंगे। बिना उन बच्चों की पूजा के उनके पिता उनका चेहरा ना देखें, नहीं तो कोई ना कोई घातक परिणाम सामने आ सकता है। दोस्तों, 29 मई मीनिंग 11, इन दोनों का अगर मूल अंक निकाला जाए तो दो मूल अंक बनता है। दो के स्वामी है जी चंद्रदेव। दो मूल अंक वाले जातक बहुत इमोशनल होते हैं, लोग उन्हें यूज़ करके छोड़ देते हैं जी, भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, इतने भावुक होते हैं कि अपना तो दिमाग में इनके आता ही नहीं है जी, कि मेरा जीवन भी कुछ है, अपना सब कुछ लुटा देना इनकी आदत होती है, इनकी फितरत होती है, भावनाओं में बहुत जल्दी बहते हैं, इस कारण इन्हें लोग अक्सर यूज़ कर लेते हैं, ये इस्तेमाल बहुत जल्दी हो जाते हैं जी, जिनका दो मूल अंक होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातक, चंद्रदेव आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कहीं ना कहीं से शॉर्टकट इनकम आने वाली है, कहीं ना कहीं से मेहनत का फल मिलने वाला है। मंगलदेव आपकी राशि के स्वामी अपने से 11वें भाव में चल रहे हैं, वो और उत्तम है जी। इसका दोनों का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं से अब आपका समय अनुकूल होता दिखाई दे रहा है, रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे, आपके सर्व कार्य सिद्ध होंगे, आपके सर्व कार्य मेहनत का फल आपको मिलेगा। वृष राशि। वृष राशि में सूर्य और शुक्रदेव दोनों का गोचर है, ऐसी स्थिति में वृष राशि वाले जातक थोड़े से वहमी हो सकते हैं, फैसले थोड़े डिले कर सकते हैं, सोचवान बनेंगे, गहराइयों के बारे में सोचेंगे, ऊंच नीच के बारे में सोचना शुरू करेंगे, अच्छाई बुराई के बारे में सोचेंगे। परंतु दोस्तों, आप सोचने वाली प्रवृत्ति को भूल जाइए, आगे बढ़ें, आपका समय बहुत बढ़िया है, आप एनर्जिक हैं, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाले हैं आजकल के अंदर। जी हाँ, आप आगे बढ़ें, ज़्यादा विचार मत करें। मिथुन राशि। जैमिनी। जैमिनी राशि वाले जातक बुध और राहु आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके दिमाग में तरह तरह की युतियां चल रही हैं, तरह तरह की प्लानिंग चल रही है, रात को प्लानिंग और होती है, सुबह और होती है, आप ऐसे स्थिति में से निकल रहे हैं जिसमें आपका फैसला लेना मुश्किल है। घबराइए मत, आपका फैसला बढ़िया होगा, कैलकुलेटिव होगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, पक्षियों को अनाज डालें, ऐसा करने से आपके सर्व बाधाओं का नाश होगा, जो भी आपके मन में विचार चल रहे हैं कारोबार संबंधी, उनका फल आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव अपनी से अगली राशि में सिंह राशि में आ गए हैं, मीनिंग धन भाव में आ गए हैं। आज तो कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी। दोस्तों, धन का अर्थ खाली लिक्विड कैश नहीं होता, धन का अर्थ जीवन में आने वाली ऐसी उपलब्धि भी होती है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत समय से परिश्रम करने के बाद जो चीज़ नहीं मिल रही है, वो कर्क राशि वालों को जी अब मिलने का समय आ गया है, वो अब उन्हें प्राप्त होगी। सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्यदेव वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में थोड़ा सा मन रोमांटिक हो सकता है, घूमने फिरने का मन कर सकता है, विदेश से कोई विदेश का मामला अटका है जी, वहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिव रिपोर्ट आ सकती है। परंतु दोस्तों, खान पीन की आदत पे ध्यान रखें, सिंह राशि वाले जातक ओवर ईटिंग से बचें, नहीं तो सेहत के लिहाज से आज का दिन आपके लिए शुभ नहीं है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक, आज आपका प्रोफेशन दिन है, आज आपका कारोबार में डिसीज़न बढ़िया लेने का दिन है, कोई भी डिसीज़न आप फैसला आज लेंगे,
सब फैसले आपके बढ़िया जाएंगे। रिस्क लीजिए, आप कोई पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं वो कीजिए, कोई यात्रा करना चाहते हैं वो कीजिए। आज आपका दिन बहुत बढ़िया है, बहुत अनुकूल है, बहुत पॉजिटिव है। आज आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे और उसका भरपूर फायदा भी उठाएंगे। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक, आज एक बात का ध्यान रखना, अपने कानों पर ज़्यादा विश्वास मत करना। जब तक आप किसी चीज़ की सच्चाई जान ना लो तब तक उसके ऊपर पूरा अमल मत करना। आपके शत्रु आपके मित्र बन के आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, आप उन्हें ये मौका मत देना। कानों के सुनी बात पे विश्वास मत करना जब तक आप उन्हें आँखों से प्रमाणित ना कर लो। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक, आज आपका हौसला और आपकी हिम्मत, इन दोनों चीज़ों को मिला के आप आज आगे बढ़ेंगे। कुछ नए मित्र आपको मिल सकते हैं, कुछ पुराने दोस्त भी मिल सकते हैं। कुल मिला के मित्रों के सहयोग से आपका बिगड़ा हुआ कार्य सिद्ध होगा। आप जो भी सोच रहे हैं आज आपको उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं वो भी रिज़ल्ट आज आपको मिलेगा, अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो बुरे का रिज़ल्ट भी आज आपको मिल जाएगा। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक, चुगली करना आपके लिए इस समय सबसे खतरनाक हो सकता है। आपके शत्रु आपकी ताक लगा के बैठे हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। कोई प्रॉपर्टी विवाद हो सकता है, वाहन संबंधी झगड़ा हो सकता है। मन को शांत रखें, क्रोध से बचें और धन को खर्च करने से पहले विचारें, सोचें। धन का खर्च आज आपको परेशानी में डाल सकता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक, आपके लिए थोड़ा सा समय अनुकूल है। आपकी सोची समझी योजनाएं सफल होनी शुरू हो रही हैं, नए नए लोग आपके संपर्क में आ रहे हैं, वो आप सबको बेनिफिट दे के जाएंगे। दोस्तों आज के दिन आपको मकर राशि वालों को दान करना बड़ा ज़रूरी है। आप जो भी इच्छाएं रखते हैं दान करने की, आज वो आप दान करने से ना चूकें। आज आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है दान करने के लिए। आप जो भी दान करेंगे उसका फ़ायदा आपको बहुत समय तक मिलेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक, समय आपके लिए वेट कर रहा था जी, वो समय आज आ गया है। उठो, बेपरवाह होके अपने स्टाइल में आप काम करो। आपका जो स्टाइल है काम करने का, आप उसमें काम करो। घबराओ मत, डरो मत, बेपरवाह होके रिस्क लो। कहीं भी कोई नुकसान होने वाला नहीं है जी, फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है आपको। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक, आज थोड़ा सा सतर्क रहे खान पीन के मामले में, यात्रा के मामले में और लेन देन के मामले में। लेन देन आपको नुकसान दे सकता है, नुकसान हो सकता है, बड़ा घाटा पड़ सकता है। कोई भी फैसला लेने से पहले सोचे, विचार करें, उसके बाद आगे बढ़े। दोस्तों ये था आज का राशिफल, इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, ओम शिव, ओम शिव, ओम शिव।